नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने अपनी कोविड एक्सपीरियंस वाली वीडियो में आरटीपीसीआर और सीटी वैल्यू का जिक्र करा था, तो आज उसी को डिटेल में देखते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट और सीटी वैल्यू क्या होती है। मेरे कोविड एक्सपीरियंस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आरटीपीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर को मेडिकल लैंग्वेज में समझने से बेहतर है हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट एंटीजन यानी कोरोना वायरस की जांच करता है। आरटीपीसीआर टेस्ट कोरोना वायरस के आरएनए को डिटेक्ट कर उसकी पहचान करता है। आरटीपीसीआर टेस्ट और टेस्टों से बेहतर इसीलिए है क्योंकि ये बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होने से पहले और सिम्टम्स डेवलप होने से पहले ही कोरोना वायरस की जांच कर लेता है। आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना वायरस का लेवल या मात्रा सीटी वैल्यू से नापी जाती है। तो चलिए देखते हैं ये सीटी वैल्यू क्या होती है। आरटीपीसीआर टेस्ट वायरस के आरएनए को लेकर उसमें मॉलिक्यूल की जांच करता है। ये जांच कई साइकल्स में होती है। सीटी वैल्यू से पता चलता है कि कितने साइकल्स के बाद कोरोना वायरस का पता चल पाया है। अगर बॉडी में वायरस ज्यादा होता है या वायरस लोड ज्यादा होता है तो सीटी वैल्यू कम होती है, और अगर बॉडी में वायरल लोड कम होता है तो सीटी वैल्यू ज्यादा होती है। कुछ स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल से ये कहा जाता है कि अगर सीटी वैल्यू 34 है तो उस पेशेंट को नेगेटिव या नॉन इन्फेक्शियस कहते हैं। सीटी वैल्यू डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कई बार इसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को होम क्वारंटाइन करना है या हॉस्पिटलाइज करना है। सीटी वैल्यू को हम एक ट्रेन के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज दो ट्रेन्स हैं जिसमें 34 बोगीज हैं। एक ट्रेन में को हमने देखना शुरू करा कि उसमें पैसेंजर्स कहाँ पे हैं। तो सपोज ट्रेन ए को हम देखते हैं तो उसका बोगी वन देखा तो उसमें पैसेंजर नहीं है, टू देखे उसमें भी पैसेंजर नहीं है। जब हम 27 बोगी पे गए तब हमें पता चला कि उसमें पैसेंजर्स मिलने शुरू हुए। उसका मतलब इस ट्रेन में पैसेंजर्स बहुत कम है, मतलब इस ट्रेन का सीटी वैल्यू 27 है। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसमें वायरल लोड बहुत कम है। वहीं दूसरी ट्रेन में हमने पैसेंजर्स को देखना शुरू करा तो वहां पे हमें पैसेंजर 11th बोगी में ही मिल गए। तो इसका मतलब वहां पे जो पैसेंजर्स थे वो 11th बोगी से ही काफी सारे थे। तो उस ट्रेन का सीटी वैल्यू 11 है, मतलब वहां पे वायरल लोड ज्यादा है। आप जैसे देख सकते हैं ये मेरी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट है जिसमें सीटी वैल्यू 27 है। इसका मतलब मेरे में जो था वो माइल्ड कोविड सिम्टम्स थे। सीटी वैल्यू के बारे में तो हमने देख लिया, अब देखते हैं इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। वैसे तो सीटी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यह देखने में कि पेशेंट में वायरल लोड कितना है, और इसी के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है या निगेटिव। इवन क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च के हिसाब से भी यही कहा जाता है कि अगर वायरल लोड ज्यादा है तो सीवियर कोविड है। बावजूद इसके आईसीएमआर इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। उसका कहना है सीटी वैल्यू और कई फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे अलग अलग किट्स की अलग अलग सीटी वैल्यू हो सकती है, सैंपल कलेक्शन के टाइम प्रॉपर सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर फॉलो किया गया था या नहीं, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के टाइम टेम्परेचर का ध्यान रखा गया था या टेम्परेचर सही मेंटेन करा गया था या नहीं। अगर सेम पेशेंट का सेम टाइम में सेम किट से दो बार टेस्ट करा जाता है तो उसमें भी कई बार सीटी वैल्यू में वेरिएशन आ जाती है। तो आइए अब देखते हैं कंक्लूजन। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि सीटी वैल्यू सही है या गलत। वैसे तो सीटी वैल्यू पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, पर सीटी वैल्यू काफी हद तक ये आइडिया दे देती है कि पेशेंट में वायरल लोड ज्यादा है या कम, उसकी क्या कंडीशन है। तो आप सीटी वैल्यू को बहुत ज्यादा अहमियत ना देते हुए इस चीज पे ध्यान दें कि आपके डॉक्टर्स ने जो मेडिकेशन करा है या जो दवाइयां दी हैं उसे आप प्रॉपर लें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए काम करें और आयुर्वेदिक दवाइयां लेते रहें, और सबसे बड़ी चीज अपने आप को मोटिवेटेड रखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें, क्या पता इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे चैनल ब्राइट स्काई बाय शिवम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।